हेलो गाइस, कैसी हैं आप सब? आई विश अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड मैं हूं प्रीति। तो आज की वीडियो में आपके लिए लाई हूं एक ऐसा फेस पैक जो आपकी स्किन को इंस्टेंट ग्लो देगा, आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा ग्लोइंग बनाएगा। साथ ही साथ आपकी स्किन में जो भी समर सीजन है, कहीं ना कहीं स्किन में सन डैमेज आ जाता है, आपकी स्किन में टैनिंग आ जाती है, या आपकी स्किन में सन की वजह से जो भी डलनेस आई है, ब्लैकनेस आई है, या आपकी स्किन में जो भी सन टैन हुआ है बहुत ज्यादा, तो उसे बहुत अच्छे से रिमूव करेगा। ये जो फेस पैक है आपकी स्किन में मैजिकली वर्क करता है। कॉफी, कॉफी का फेस पैक मैं आज आपको बताऊंगी। कॉफी हम सब पीते हैं, जितना टेस्टी पीने में होता है उससे कई ज्यादा आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो जब आप इस मास्क को अपने फेस पे अप्लाई करते हैं तो ये आपके फेस में जो ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेशन, उसे डबल कर लेता है, जिससे कि नेचुरली आपकी स्किन में ग्लो आता है। जैसे कि फेशियल में आपको जिस तरीके से करने से जैसा ग्लो मिलता है, उससे कई ज्यादा अच्छा ग्लो आपको इस पैक को लगाने में मिलने वाला है। आप गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, किसी भी एज की हर कोई इसे यूज कर सकता है। एक मिनट आपको इस रेमेडी को बनाने के लिए लगेगा और इसका रिजल्ट देख के आपने खुद हैरान हो जाना है। मेरी जो रेमेडी होती है बहुत ज्यादा सिंपल होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल और इफेक्टिव होती है। तो सीधे से चलते हैं मुद्दे की बात पे कि इस रेमेडी को कैसे बनाना है, तो बढ़ते हैं आगे। इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉफी पाउडर। एक चम्मच आपने कॉफी पाउडर लेना है, एक बड़ा चम्मच। अगर आप आपके घर पे कॉफी नहीं, तो आप मार्केट में इजीली इस तरीके का 2 रुपए का पाउच ही मिल जाता है, ये ले सकते हैं। 2 रुपए का पाउच आप एक बार यूज कर सकते हैं। और इसमें ऐड करेंगे हम आधा टमाटर कटा हुआ। इसका जो पल्प है उसे हम निचोड़ लेंगे, अंदर का जो रस होता है, ठीक है, इतना काफी होता है। 5 से 6 ड्रॉप काफी होती है टमाटर के रस की। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हनी। कॉफी और हनी जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपकी स्किन में देता है। ये आपकी स्किन में एज ए एक्सफोलिएटर यानी स्क्रबर की तरह भी काम करता है, क्योंकि कॉफी में जो है छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ये एज ए स्क्रबर भी काम करता है, ये आपके ब्लैकहेड्स व्हाइटहेड्स को भी रिमूव करता है, साथ ही आपकी स्किन की जो डर्ट इम्प्योरिटी होती है उसे डीपली क्लींस करता है। आपकी स्किन को एक इंस्टेंट ग्लो देता है, ठीक है। समर टाइम है, फेस में जो इंस्टेंट ग्लो की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, डिहाइड्रेट हो जाती है, स्किन सनबर्न की वजह से फेस बहुत ज्यादा डल लगता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आप इस फेस पैक को बनाइए, बहुत इजी, बहुत ही आसान है, 1 मिनट में बन जाएगा। और अपने फेस पे इसे अप्लाई कीजिए, ये आपके सन से जो भी डैमेजेस आपके फेस में हुए उसे दूर करेगा। कॉफी में कैफीन की मात्रा होती है जो कि नेचुरली आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो देता है, क्योंकि इससे जो है आपके फेस में जो है ब्लड फ्लो डबल हो जाता है, ब्लड जो प्रेशर होता है, जिससे कि आपके फेस में बहुत अच्छा फेशियल जैसा ग्लो आ जाता है। इसे आप अप्लाई कीजिए, बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। फेस पे लगाइए, 15 से 20 मिनट इसे अपने फेस पे रख लीजिए। तब तक आप अपना कोई भी काम कर लीजिए, अपने बच्चों के साथ खेल लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। मेरी प्रीशा रानी यहाँ पे आ गई थी, मैं बोल रही थी मेरे फेस पे भी लगाओ। सो आप इसे लगा के छोड़ दीजिए और अपना कोई भी काम कर लीजिए। 20 से 25 मिनट के बाद इसे अपने 20-25 जितना भी आप रख सकते हैं, 30 मिनट तक आप कितना भी टाइम रख सकते हैं, उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करके अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लेना है, और उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। तो इस तरीके से जी आपने इस फेस पैक को लगाना है। आप चाहे इसे हफ्ते में 2 बार लगाए, 3 बार लगाए, या आप इसे डेली भी लगा सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपकी स्किन के लिए नहीं है। जितना आप इसे लगाएंगे उतना आपकी स्किन और ज्यादा निखरेगी और अच्छा आपको ग्लो मिलेगा। अब डेली तो अगर आप नहीं लगा सकते, तो हफ्ते में 2 या 3 बार तो आपने इस रेमेडी को जरूर फॉलो करना है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है, बहुत ही इजी है। इसके सारे इंग्रेडिएंट आपके किचन में इजिली अवेलेबल होते हैं और बहुत ही इफेक्टिव है। मोस्टली जगहों पे, हर स्टेट में मोस्टली लॉकडाउन लगाए, तो इस टाइम आप अपनी स्किन को पैम्पर कर सकते हैं। आप सैलून नहीं जा सकते, कोई जरूरी नहीं है। सैलून को अपने घर में ले आइए, अपनी किचन में ही आपका सैलून है। गुड इफेक्ट आपको नेचुरल चीजें देते हैं, उतना आपको कोई भी सैलून की चीजें नहीं दे सकते। बस आपको नेचुरल चीजों पर ट्रस्ट होना चाहिए, साथ ही आपको सब्र होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा सब्र की जरूरत होती है। क्योंकि ये जो नेचुरल जो चीजें हैं वो धीरे धीरे वर्क करती हैं आपकी स्किन पे, आपकी ब्यूटी पे, लेकिन जो वर्क होता है वो 100% प्योर और नेचुरल होता है। और जब उसका आपको रिजल्ट मिल जाता है ना, तो वो उस रिजल्ट के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लॉकडाउन में वेडिंग्स हो रही हैं, पार्टीज हो रही हैं, तो अगर आप सैलून नहीं जा सकते हैं, तो घर पे फट से आप 1 मिनट में इस कॉफी का फेस पैक लगाइए। फेस पैक को लगा लीजिए, तब तक अपना फटाफट से और काम कीजिए। 15 मिनट रखने के बाद फेस वॉश कीजिए और उसके बाद अपना मेकअप स्टार्ट कीजिए। आपकी स्किन इतना ग्लो करेगी, आपका मेकअप इतना फ्लॉलेस होगा कि सब कहेंगे इस लॉकडाउन में आप पार्लर से तैयार होके आई हैं। सच कह रही हूँ मैं, इसे आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका।
बोलने से कुछ नहीं होगा, आप इसे ट्राई कीजिए, अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कीजिए। एक ही बार के यूज़ में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी। और गर्ल्स के साथ साथ बॉयज़ भी इसे कर सकते हैं यूज़, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी बजा दीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट न्यू वीडियोस मिलती रहे। सो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।